हेलो नमस्कार आदाब सलाम सस्वी काल केम छो कसे काय किरो हाले केना छी यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केम ती अच्छन ती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, दुरुस्त होगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों का ये आने वाला समय, ये महीना फरवरी का कैसा रहने वाला है, कितना बढ़िया रहेगा, कितना खराब रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इन सभी विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। गोचर कुंडली आपके सामने में आपको दिखाई दे रही होगी, साइड में बोर्ड लगा हुआ है, सभी ग्रह का स्थापन भी आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रथम भाव में जहां पर मैं 10 लिखा हुआ है मकर राशि में, सूर्य, बुध और शनि ये तीनों बैठे हुए हैं। जहां पर मैं सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हो गए, बुध मित्र क्षेत्रीय हो गए और शनि यहां पर मैं अपने घर में बैठ करके, केंद्र में बैठ करके, लग्न में बैठ करके शस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे। दूसरे भाव में कुंभ राशि में गुरु और सूर्य ये दोनों बैठे हुए हैं। आप कहोगे कि सूर्य पहले भाव में भी है और दूसरे भाव में भी, ये कैसे? 13 फरवरी तक सूर्य प्रथम भाव में मकर राशि में रहेंगे, 13 फरवरी के बाद पूरे महीने कुंभ राशि में यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव जहां 12 लिखा हुआ है कोई भी ग्रह नहीं है, चौथा भाव जहां 1 लिखा हुआ है कोई भी ग्रह नहीं है, पांचवा भाव जहां पर मैं 2 लिखा हुआ है उच्च के राहु बैठे हुए हैं, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, दसवां कोई भी ग्रह नहीं है, 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है और 12वें भाव में शुक्र और मंगल बैठा हुआ है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इन सभी ग्रहों का इस जगह पर में बैठने का आखिर क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हो? मित्रों, ये एक गोचर कुंडली है, इसीलिए हमेशा ये मान करके चलना है कि गोचर कुंडली में जितनी भी फल मैं अभी आपको अच्छी हो बुरी हो बताने जा रहा हूं, ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना है, ना ही बहुत ज्यादा उदास हो जाना है, क्योंकि गोचर कुंडली का फलादेश हमेशा 50 से लेकर के 90% तक ही फलित होता है, ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन जब लग्न कुंडली देखी जाती है, जब आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है, तो देखने वाला अगर विद्वान व्यक्ति है तो 100% दावे के साथ आपको सच बता सकता है, अवगत करवा सकता है। मित्रों, इसलिए कभी भी गोचर कुंडली के आधार पर में जिंदगी में मासिक राशि फल, वार्षिक राशि फल, दैनिक राशि फल के आधार पर में कभी भी जिंदगी में कोई बड़ा जो है तो निर्णय डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय डिसीजन लेना है तो मेरा नंबर आपके पास में है, आप उस नंबर पर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि कॉलिंग करने से कोई फायदा नहीं है, तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप, क्योंकि व्हाट्सएप ही रिसीव होती है, मैसेज कर सकते हो आप। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। बड़े ही ध्यान से, गहनता से समझने का आप प्रयास करोगे तो समझ जाओगे।
सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में मकर राशि में शत्रु क्षत्रिय होकर के बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के मालिक हैं सूर्य इस कुंडली में, इसलिए इस कुंडली में सूर्य एक मारक ग्रह है। 13 फरवरी तक सूर्य आपके शरीर में ऊर्जा की कमी का अनुभव करवाएंगे, ज्ञान में कमी करने का प्रयास करेंगे, बल कम देंगे शरीर में, मस्तिष्क दिमाग जितना तेजी से जितना बेहतर तरीके से काम करना चाहिए सूर्य के प्रभाव में आकर के उसके मारकत्व के कारण, उसके मारक ग्रह होने के कारण वो कम काम करेगा। आपको मैं बता दूं कि पहला भाव ही आपके विवेक का भी होता है। विवेक से सूर्य आपको पूर्ण रूप से काम जो है सो नहीं लेने देने का प्रयास करेंगे। पहला ही भाव आपके शील यानी कि कैरेक्टर का भी होता है। सूर्य का ये प्रभाव रहेगा कि आपके चरित्र में भी दाग लगे, आपका कहीं पर में अफेयर वगैरह भी हो जाए, ये सब सूर्य का प्रभाव रहेगा। पहला भाव ही गर्व करने का होता है, गौरव का होता है, जिससे आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करते हैं, जिससे कि आपकी माँ आप पर में गर्व करती है, जिससे कि आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे आपके पिता आप पर में गर्व करते हैं। ये पहला भाव ही है जिससे ये सब तय होता है। लेकिन सूर्यदेव बाकी ग्रह जो है दो और प्रथम भाव में बैठे हुए वो इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर बाद में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सूर्य पर मैं आपको मैं बताता हूं, सूर्य का प्रयास रहेगा कि कम से कम आपके घर वालों को गर्वित होने का मौका दिया जाए आपके माध्यम से। सूर्य की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ जाएगी, क्योंकि सूर्य यहां पर में मारक ग्रह है, इसीलिए विवाह अगर ठीक भी होने वाला है, क्योंकि दो दो ग्रह विवाह के तरफ झुकाव करेंगे, तो उसमें सूर्य देव कुछ बाधा डालने का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि आपके विवाह में कुछ विघ्न आ जाए, कुछ बाधाएं आ जाए, अथवा आपकी विवाह विलंब से हो। जीवन साथी के सुख लेने में सूर्यदेव आपको परेशान करेंगे, इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। काम और वासना की अधिकता कर देंगे, जिसके कारण से आपका मन विचलित रहेगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाने की कोशिश करेंगे 13 फरवरी तक। पति पत्नी के संबंध को खराब करने का प्रयास करेंगे 13 फरवरी तक। और दैनिक व्यवसाय का भी भाव सातवां ही होता है। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम से शांति से समझने की कोशिश करें। दैनिक व्यवसाय का भी भाव सातवां ही होता है, जिसके कारण से दैनिक व्यवसाय, दैनिक रोजगार, रोज का जो रोजगार है, रोज का जो काम है, उसमें सूर्यदेव कुछ परेशानी, कुछ टेंशन, कुछ तनाव देने का प्रयास करेंगे। सातवां ही भाव आपके प्राइवेट पार्ट, पैसाब के रास्ते का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव आपको उसके रिगार्डिंग
कुछ परेशानी भी दे सकते हैं, इसलिए सावधान। प्रत्यक्ष शत्रु जो दुश्मन आपसे डायरेक्ट सामने सामने टकराने की क्षमता रखते हैं उनका भी होता है, तो जिसके कारण से सूर्य देव जो हैं सो प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा, प्रत्यक्ष दुश्मन के द्वारा आपको झगड़ा करवाने का, टेंशन दिलाने का भी प्रयास कर सकते हैं। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का भी भाव सातवां ही होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव अगर आपका काम किसी के साथ कुछ भी पार्टनरशिप में है, चल रहा है, तो वहां पर मैं 13 फरवरी से पहले पहले आप ये अनुभव करोगे कि कुछ ना कुछ टेंशन तनाव छोटा सा ही क्यों ना हो जाएगा। इसीलिए सूर्यदेव के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। 13 फरवरी तक सूर्य को दैनिक रूप से जल देंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ना रोज संभव हो कम से कम रविवार के दिन भी जल दे करके ओम आदित्याय नमः मंत्र का 7 बार जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद आपके कुंडली के द्वितीय भाव में चले जाएंगे, द्वितीय भाव यानी कि दूसरा भाव में चले जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, है तो ये मारक ग्रह, तो 13 फरवरी के बाद भी सूर्यदेव दूसरा भाव किस चीज का होता है, तो आप कहोगे पहला तन और दूसरा धन, लेकिन सिर्फ इतना पर विज्ञान सीमित नहीं है, दूसरा भाव 10 चीजों का होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। दूसरे भाव से धन धान्य संपत्ति की चर्चा की जाती है, जमा पूंजी की चर्चा की जाती है, बैंक के सेविंग अकाउंट की चर्चा की जाती है, आपके वाणी की चर्चा की जाती है, आपके परिवार की चर्चा की जाती है, आपके पड़ोसी की चर्चा की जाती है, आपके जीभ की चर्चा की जाती है, दूसरा भाव आपके मुख की चर्चा की जाती है, दूसरा भाव आपके सत्य और असत्य बोलने की चर्चा इसी से की जाती है, आपके दान पुण्य की चर्चा भी इसी से की जाती है, आपके दाएं नेत्र की चर्चा भी इसी से की जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कितनी चीजें बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए इतने ही विषय पर मैं हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्यदेव के 13 फरवरी के बाद दूसरे भाव में आने के कारण आपका जमा पूंजी जो बैंक में है अथवा आपके पास में है उसमें से खर्च होना शुरू हो जाएगा। 13 फरवरी के बाद पैसा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा, वो भी तेजी से। आप पैसा जमा करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश रेत को हाथ में पकड़ने के समान होगी, जो अंत में कुछ नहीं बचता है। आपको मैं बता दूं, ये दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है, कुटुंब यानी कि परिवार, परिवार के लोग, रिश्तेदार, इन सब का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण परिवार में उष्णता का माहौल रहेगा, गर्मी का माहौल रहेगा, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता कम लोगों के पास में होगी, हर कोई एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से
परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति बनी रहेगी। ये दूसरा भाव परिवार के साथ साथ आपके खुद के वाणी का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव आपके वाणी को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव उष्ण है, गर्म है, बिजली है, आग है सूर्यदेव, अग्नि तत्व है सूर्यदेव, जिसके कारण से आपकी वाणी थोड़ी 13 फरवरी के बाद तीखी निकलनी शुरू हो जाएगी। बड़े ही कड़वे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, ये सूर्यदेव का प्रभाव है। ये दूसरा भाव आपके सत्य और असत्य बोलने का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण, सूर्य तो नारायण है, तो सत्य ही बोलोगे, लेकिन बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग करोगे आप। ये दूसरा भाव दान और पुण्य का भी होता है। तो जमा पूंजी को एक तरफ या तो दान में खत्म कर दो, अथवा भोग कर लो, या नाश हो जाता है। धन की 3 ही गति बताई गई है, दान, भोग और नाश। तो आपके लिए दान करना सबसे उत्तम है, दूसरा भोग है। और जब दान और भोग नहीं हो पाता है तो अंत में उस धन का नाश हो जाता है। तो सूर्यदेव आपको दान करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा भाव दान के साथ साथ आपके बाएं आंख का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव आपको बाएं आंख से संबंधित कुछ परेशानी का सामना भी करवा सकते हैं। आंख के रिगार्डिंग कुछ परेशानी आपको घेर सकती है, चाहे वो आंखों में चोट लगना हो, आंखों में दर्द ही क्यों ना हो, आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ये दूसरा भाव हमने आपको अभी अभी बताया था कि आंख के साथ साथ आपके पड़ोसी का भी होता है, जिसके कारण से पड़ोसी से अगर संभल करके बात नहीं करोगे आप, तो सूर्यदेव के कारण पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी के साथ भी किसी न किसी विषय पर में, किसी न किसी बातों पर में बहस हो सकता है, और वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने ही भाव पर में अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि सूर्यदेव आपके काम में रुकावट का भी योग बना रहे हैं। जो भी काम करने की आप कोशिश कर रहे हो उसमें रुकावट, ऑब्स्टेकल्स का भी घर ये दूत 8वां ही होता है। वहां से 7 बार गिनती करोगे दूसरे को लेते हुए, तो 7 और 2 9 नहीं, दूसरे को लेते हुए 7वां घर अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव के रिगार्डिंग सूर्यदेव आपको कुछ निगेटिव रिजल्ट अवश्य देंगे, जैसे कि अचानक से कुछ धनहानि करवा देना, ये सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। अचानक से आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देना, ये सूर्यदेव का प्रभाव। अचानक से चोट लगा देना, ये सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा।
जो लोग विदेश यात्रा करने की सोच रहे थे, इस समय में तो कोरोना को लेकर के वैसे हर तरफ से गाइडलाइन जारी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो सूर्यदेव के कारण आपकी यात्राएं की भी योग बन रहे हैं। सूर्यदेव के लिए इस महीने में उपाय करना अति आवश्यक है। प्रत्येक दिन इस महीने में अगर संभव हो तो आप सूर्य को स्नान करके जल दो। अगर संभव ना हो तो रविवार के दिन स्नान करके सुबह सुबह जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूर्य देव को जल दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही रविवार के दिन ओम आदित्याय नमः मंत्र का 7 बार अगर आप जाप कर पाओ तो और भी उत्तम होगा, और भी अच्छा होगा। महिला वर्ग नमो आदित्याय नमः मंत्र का अगर 7 बार जप कर पाएंगी तो और भी बढ़िया होगा, और भी उत्तम होगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य के बाद मासिक राशि फल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती, तो मंगल की चर्चा हम लोग करेंगे। और मंगल देवता भी आपके लिए इस महीने में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले नहीं है, द्वादश भाव में बैठे हुए। एकादश और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए, तो मंगल देवता के कारण भी आप ये अनुभव करोगे कि आपका खर्चा बढ़ गया है। किसी को अगर पैसे दिए हुए हो वो जल्दी वापस ही नहीं कर रहा है, धनहानि का भी योग बन रहा है। ये सब मंगल देवता का प्रभाव है। ये 12वां भाव इसके अलावा विदेश का भी होता है, तो अगर आप विदेश में हो तो मंगल देवता आपके लिए अपार धन दौलत का योग बना रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने जन्म देश में हो, जन्म धरती पर में हो, तो मंगल देवता आपको हर मामले में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां भाव अस्पताल के खर्चा का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण आपको अस्पताल का भी कुछ खर्चा बिल उठाना पड़ेगा। आंख का भी, बाई आंख का भाव 12वां ही होता है, तो मंगल देवता के कारण बाई आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी कि उधर दाया आंख सूर्य देव के कारण, इधर बाया आंख मंगल देवता के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल देवता की चतुर्थ दृष्टि यहां से 4 बार गिनोगे तो 12वां घर 1, पहला घर 2, दूसरा घर 3 और तीसरा घर 4। तो चतुर्थ दृष्टि मंगल की तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से मेहनत, तीसरा भाव किस चीज का होता है, तो मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, गुप्त शत्रु का होता है, माता के मृत्यु का होता है, और आपके गले का होता है, नाक का होता है, आपके श्वसन अंग का भी होता है। ये तीसरा भाव, हाँ, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो मंगल देवता की इन सब पर में दृष्टि पड़ गई, वो भी अच्छी दृष्टि तो नहीं पड़ी, खराब दृष्टि पड़ गई। तो मंगल देवता क्या करेंगे कि आपके लिए इस महीने में मेहनत ज्यादा करवाएंगे, आपसे परिश्रम ज्यादा करवाएंगे। छोटे भाई बहन
जूनियर्स से कम लाभ होगा आपको। बहुत ज्यादा लाभ लेने की अगर आप कोशिश भी करेंगे फिर भी आपको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। ये मंगल का प्रभाव है। इसके अलावा तीसरा भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त शत्रु का भी होता है, तो गुप्त शत्रु यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, ये भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। ये तीसरा भाव आपके पराक्रम का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण आपके पराक्रम में जरूर वृद्धि हो जाएगी। आपके धैर्य का भी होता है, मंगल देवता का बार बार चोट आपके धैर्य पर होगा, जिसके कारण से आपके धैर्य को तोड़ने का, कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। मंगल देवता के कारण चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में धैर्य के अलावा गले का, नाक का, श्वसन अंग का भी होता है। हो सकता है भगवान ना करे किसी कारणवश आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित कोई माइनर, कोई छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मंगल देवता की यहां से सातवीं दृष्टि जब आप गिनती करोगे तो छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव मित्रों किन किन चीजों का होता है? कहा गया है कि छठा भाव दुश्मन का होता है, शत्रु का होता है, चिंता का होता है, रोग का होता है, केस मुकदमा का होता है, कर्ज का होता है, आपके ऊपर में लगने वाले कलंकों का भी होता है, और पेट से संबंधित बीमारी का भी होता है, शोक का भी होता है और दुख का भी होता है। तो मंगल की शत्रु दृष्टि, मंगल की निगेटिव दृष्टि, मंगल की विरोधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। क्या परिणाम होगा इसका? परिणाम इसका यह होगा कि दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको मंगल चिंता में डालने का प्रयास करेगा। मंगल की दृष्टि के कारण हेल्थ वाइज परेशानी, बीमारी, रोग आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। ये छठा भाव आपको भगवान ना करे किसी से कर्ज लेने पर भी विवश कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का केस मुकदमा चल रहा है वहां पर में भी मंगल देवता उसको डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। ये छठा भाव आपके ऊपर में लगने वाले कलंकों का भी होता है। इस मंगल देवता के प्रभाव से आपके माथे पर में किसी प्रकार का कोई झूठा अथवा सच्चा कलंक, अपयश लग सकता है, आपका मन भी दुखी हो सकता है। मंगल की आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है जो कि विवाह का घर होता है। मंगल की दृष्टि के कारण अगर आपका विवाह होने वाला है 13 फरवरी के बाद और इस फरवरी के महीने में, तो मंगल देवता की दृष्टि के कारण विवाह में बाधा का योग बन गया, विवाह में परेशानी का योग बन गया, वैवाहिक जिंदगी में परेशानी का योग बन गया, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग बन गया, दैनिक व्यवसाय रोजगार जो है जितना बढ़िया चलना चाहिए उतना अच्छा वो नहीं चल पाएगा। दुश्मन जरूर टकराने की कोशिश करेगा और पार्टनरशिप में, बिजनेस चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
अभी तक जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमारे टीम के विरोध में, मकर राशि के विरोध में दो दो ग्रह चल रहे हैं। सूर्य देवता भी और मंगल देवता भी, दोनों ही अग्नि तत्व हमारे विरोध में चल रहे हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता को शांत करने का अपने पास में सबसे उत्तम और आसान तरीका हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार के दिन आप एक बार पढ़ लिया करें, मंगल देवता आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लाल रंग का कपड़ा लेकर के बजरंग बली को चढ़ा देना, मंगल देवता अपने आप शांत हो जाएंगे। इसके अलावा भी और करना चाहते हो, ये दोनों भी आपसे ना हो पाए, तो सात बार मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ये वाला मंत्र सात बार जाप कर लेना। मंगल देवता बहुत हद तक मान जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर ये भी आपसे ना हो पाए तो एक लाल रंग का कोई मिठाई अथवा चॉकलेट जो मीठा है लेकर के उसको फोड़ करके और डाल देना चींटी को, चींटी खा जाए। इतने से भी मंगल देवता मान जाने चाहिए। चलिए, तो दो ग्रह हमारे टीम के विपक्ष में हो चुके, मकर राशि वालों के विपक्ष में। अब आगे देखते हैं आगे के ग्रहों का, आठ में से कितने ग्रह हमारे पक्ष में होते हैं और कितने विपक्ष में, उसी पर में डिपेंड होगा कि ये महीना हमें कैसे निकालना है। अब बुध देवता की चर्चा हम लोग करेंगे। बुध देवता हमारे मकर राशि वालों के लिए प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, बोर्ड पर में देख रहे हैं। नवम भाव के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं बुध देवता। अब देखिए, बुध देवता हमारे फेवर में आ गए। अब बुध देवता का क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको बड़े ही इंतजाम से समझाने की कोशिश करता हूं। बुध देवता आपके शरीर के रंग रूप को बड़ा ही तेज और कांति से भर देने की कोशिश करेंगे। जहां पर वे सूर्यदेव हमारे विरोध में है, वो चाह रहे हैं कि ऊर्जा को कम कर दे। बुधदेव चाहेंगे कि ऊर्जा को बढ़ा दे, सूर्यदेव चाहेंगे ऊर्जा को कम कर दे, लेकिन वो सिर्फ 13 फरवरी तक, लेकिन बुधदेव पूरे महीने उसमें ऊर्जा डालते रहेंगे और ऊर्जावान अपने आप को आप महसूस करोगे। बुधदेव आपके ज्ञान में वृद्धि कर देने का प्रयास करेंगे। जहां पर मैं सूर्यदेव आपके ज्ञान को पथ भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर मैं सूर्यदेव चाह रहे थे कि इसे कम से कम ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ये मेरे विरोधी का कुंडली है, लेकिन बुध देवता ऐसा नहीं होने देंगे। बुध देवता सूर्यदेव के वार को काटते हुए, झेलते हुए अपने शरीर पर में आपके ज्ञान को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जहां पर मैं सूर्यदेव आपको गर्वित होने में, आपके परिवार वालों को आपके द्वारा कोई भी ऐसा काम हो जिससे कि वो लोग गर्व करें, आप भी गर्व करो, उसके लिए वो बाधा उत्पन्न कर रहे थे 13 फरवरी तक, लेकिन बुध देवता पूरे महीने ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि आप कोई ना कोई ऐसा काम निश्चित रूप से करो जिससे कि आप और आपके परिवार वाले आप पर भी गर्व करें। ये बुध देव का प्रभाव होगा। जहां पर में सूर्य देव की सातवीं दृष्टि आपके विवाह में विलंब करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही,
वहीं पर मैं बुद्ध की सातवीं दृष्टि सूर्य देव के बुरे प्रभाव को काटते हुए आपके विवाह में उस विलंब को, उस परेशानी को कम करने का प्रयास करते हुए आपके विवाह का योग बना देगी। हमारी जिंदगी कुछ इसी प्रकार से चलती है ना, कि कुछ लोग विरोध में, कुछ लोग सपोर्ट में, तभी तो मजा आता है जिंदगी जीने का। अगर सारी दुनिया सपोर्ट में ही हो जाए तो फिर मजा नहीं है, और सारी दुनिया विरोध में ही हो जाए तो भी मजा नहीं है। अच्छा, जहां पर मैं सूर्यदेव आपके जीवन साथी के साथ आपके जिंदगी में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर मैं बुद्ध देवता वहां पर इंटर करेंगे, दृष्टि डालेंगे और आप दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम रस का उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि पति पत्नी के संबंध ठीक रहे, जिसको सूर्यदेव खराब करना चाह रहे थे। जहां पर मैं सूर्य देवता आपके काम वासना को जागृत करके आपको एक गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर मैं बुद्ध देवता ऐसा प्रयास करेंगे कि आप सही मार्ग पर बने रहो। जहां पर मैं सूर्य देवता वैवाहिक जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सूर्य देवता ये सब काम 13 फरवरी तक ही कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध देवता इसको पूरे महीने बनाए रखेंगे। जहां पर मैं सूर्यदेव आपके दैनिक व्यवसाय में परेशानी डालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर मैं बुद्ध देवता जो है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जहां पर मैं सूर्य देवता आपके पार्टनरशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर मैं बुद्ध देवता उसको बनाने का प्रयास करेंगे। बुद्ध देव इस कुंडली में नौवें भाव के भी मालिक हैं, तो जिसके कारण से बुद्ध देव के कारण आपको भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे, ससुराल से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, साला से भी और साली से भी कुछ फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे, ऋषि मुनि संत महात्मा से भी आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास करेंगे, और लक बाई चांस भी कुछ काम बनाने का प्रयास करेंगे। छठे भाव के भी मालिक हैं, तो जहां पर मैं सूर्य 13 फरवरी के जहां पर मैं मंगल छठे भाव के रिगार्डिंग आपको हर मामले में निगेटिव रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर इसको कहते हैं गृह युद्ध चलना, तो वहीं पर मैं बुद्ध की दृष्टि जो है पड़ेगी और वो आपको दुश्मन से बचाने की कोशिश करेंगे, शत्रु से बचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर मैं मंगल देवता है आपको दुश्मन के बीच में छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां आपको बचाने की कोशिश करेंगे। चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे, रोग को कम करने का प्रयास करेंगे, केस मुकदमा कर्ज कलंक अपयश बीमारी इन सब को कम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए बुद्ध देव आपके बिल्कुल फेवर में है, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, बोलिए राधे राधे। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। अब देख लो, बृहस्पति देवता इस कुंडली के मारक ग्रह, अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाने जाते, जिसके कारण से बृहस्पति देवता इस समय में बढ़िया रिजल्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं देंगे, जैसे कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति देव का भी ये प्रयास रहेगा कि परिवार में टेंशन हो, पैसा जमा कम हो, जो जमा पूंजी है वो खर्च हो, टेंशन तनाव का माहौल हो, पड़ोसी से ज्यादा लाभ ना मिल पाए, पंचम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन परेशान करे, ये बिंदा चिंता में रहे, बीमारी परेशान करे, गुरु की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो अचानक से धन हानि हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, और नौवीं दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये सब गुरु का प्रभाव रहेगा, तो इन सब से अपने को बचना है। बचेंगे कैसे?
तो गुरु के लिए गुरु के मंत्र का जाप करके बचेंगे हम लोग। वो जाप क्या है? तो वो जाप है ओम बिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप कर लेंगे 7 बार, बृहस्पति बार के दिन स्नान करके सुबह में बच जाएंगे। शुक्रदेव इस कुंडली के एक योग कारक ग्रह थे लेकिन द्वादश भाव में चले गए, तो शुक्रदेव भी अपने विपक्ष में हो गए। वो भी अपने फेवर में नहीं, हमारे टीम में नहीं है, वो दूसरे टीम में चले गए। तो जिसके कारण से शुक्रदेव भी आपको धन हानि करवाने की कोशिश करेंगे, खर्च करवाने का प्रयास करेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे, दुश्मन से परेशान करवाने का प्रयास करेंगे, सातवीं दृष्टि 6ठे भाव पर में चिंता में डालने का प्रयास करेंगे, हेल्थ वाइज इशू देने का कोशिश करेंगे, अस्पताल के खर्चा को भी एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो शुक्रदेव का भी रिजल्ट अपने फेवर में नहीं है। शनिदेव आ गए। शनिदेव इस कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो आपके लिए इन सभी ग्रहों पर में अकेला राजा भारी हो जाता है। तो शनिदेव इस कुंडली में राजा हो गए और पावर में आ गए। अब इन सब का ज्यादा कुछ नहीं चलने देंगे, शनिदेव अपने फेवर में आ गए। और शनिदेव क्या करेंगे? आपके दिमाग को तेज करने का प्रयास करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा डालने का प्रयास करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपको गर्वित होने का मौका देंगे, आपके हाथों से शुभ काम करवाने का प्रयास करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, रूप रंग वान बनाएंगे, शनि की तीसरी दृष्टि 3रे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, पेशेंस लेवल को मजबूत करेंगे, जो दूसरे ग्रह उसको कमजोर कर रहे थे मंगल देवता उसमें शनिदेव अपना पावर लगा देंगे। राजा राजा है भाई, दूसरे का पावर चलेगा क्या? धैर्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो आपको जो परेशान करने की कोशिश कर, शनिदेव उसको अपने दंड विधान से उसको दबा देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित जो मंगल देवता परेशानी देने की कोशिश कर रहे थे, एक तो शनिदेव की दृष्टि कारण इस प्रकार की परेशानी आएगी भी नहीं, अगर बाई चांस कुछ कोरोना वगैरह का केस आ भी जाता है तो शनिदेव आपके लिए खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शनि की सातवीं दृष्टि 7ठे भाव पर भी जीवन साथी के साथ सुख का योग, विवाह होने का योग, काम वासना की पूर्ति का योग, वैवाहिक जीवन अच्छा चलाने का योग, पार्टनरशिप वाला काम भी बढ़िया चलाने का योग बना देंगे शनिदेव। भारी पड़ जाएंगे शनिदेव सूर्यदेव पर में, क्योंकि शनि इस कुंडली के मालिक हो गए और उसमें मालिक में महाराजा धीराज हो गए, राजयोग उन्होंने बना दिया, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि 10ठे भाव पर पिता से भी लाभ का योग बना देंगे, सरकार से भी कुछ फायदा का योग बना दें, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार इन सब में वृद्धि का योग बना देंगे शनिदेव। लीजिए अब क्या चाहिए आपको। शनिदेव के बाद राहु देवता की चर्चा करते हैं। राहु भी 5ठे भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, राहु भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, राहु भी आपको संतान से फायदा, विद्या बुद्धि में वृद्धि, जुगाड़ लगाने में आपको माहिर बना देंगे, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में, धर्म कर्म का काम करवाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 9 भाव पर में भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएंगे और 7वीं दृष्टि 11ठे भाव पर में आय में वृद्धि करवाएंगे, लाभ दिलवाएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे और मस्तक पर में 9वीं दृष्टि दिमाग को ब्रिलियंट और शार्प बना देंगे। अब क्या चाहिए? राहु के बाद केतु देवता भी उच्च के 11ठे भाव में बैठे हो तो वो भी ये सब रिजल्ट देंगे। इसके अलावा जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दाम्पत्य जीवन को भी सुखी रखने का प्रयास करेंगे, दुश्मन का भी नाश करेंगे, पराक्रमी भी बनाएंगे, संतान से भी फायदा दिलवाएंगे और पैसा भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। अपने फेवर में आ गए कौन कौन? तो अपने फेवर में आ गए बुध देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता, ये 4 ग्रह अपने फेवर में आ गए और 4 ग्रह विरोध में चले गए। और फेवर में जो आए हैं शनिदेव वो महाराजा धीराज होकर के आए हैं, तो वो जो नेगेटिव ग्रह सब है, वो जो परेशान करने वाला ग्रह सब है, उन सब को भी वो अपने दंड से डरा करके रखेंगे। वो सब परेशान तो करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो यही थी मकर राशि वालों की राशि फल फरवरी महीने की, जो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में भी सब कुछ आ गया होगा, क्योंकि इतना मजे से इतना आराम से आपको कोई दूसरा नहीं समझाएगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।